ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के अधिकारियों ने दुर्गम चेरू में केबल ब्रिज के निर्माण का काम शुरू कर दिया है और ये काम तेजी से बढ़ रहा है। नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास के तारक रामा राव ने 26 अप्रैल को इस परियोजना का उद्घाटन किया और अधिकारियों को 18 महीने के भीतर परियोजना को पूरा करने का निर्देश दिया। मजदूर दुर्गम चेरू में जलकुंभी को दूर करने में लगे हुए हैं और ये काम जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। जलकुंभी को हटाने के अलावा दुर्गम चेरू की सफाई का काम भी पूरा किया जाएगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेहजा आईटी कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में 50.80 लाख रुपए दी गई है। जीएचएमसी आयुक्त बी जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि केवल पुल का निर्माण करने के लिए 13 खंबे आवश्यक है, जिनमें से 5 स्तंभों के लिए काम पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि सीसी फाउंडेशन काम प्रगति पर है। झील के लिए 2 पायलॉन्स की योजना बनाई जा रही है और केवल पुल का डिजाइन भी पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि परियोजना के पूरा होने के बाद साइट पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साइकिलिंग ट्रैक के निर्माण के लिए 2.20 किलोमीटर लंबाई की सड़क, बच्चों के लिए पार्क, योग केंद्र और अन्य सौंदर्यकरण कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 9 लाख रुपए की लागत से गणेश मूर्ति के विसर्जन के लिए एक तालाब का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 3000 मूर्तियों को विसर्जित किया जा सकता है। सौंदर्यकरण में 85 करोड़ रुपए की लागत वाली एक उन्नत गलियारा भी शामिल होगा।